नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों की मांग है। आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर यानी ठीक 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी की जीत के लिए, सत्ता में वापसी के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों की मांग थी। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं और 4 जनसभाएं करेंगे। 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झारखंड का दौरा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड में माहौल बनाएंगे, चुनावी रैलियां करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी और अब उसी डिमांड को एक तरह से पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का झारखंड दौरा, जहां वो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे के पास। अजय, क्योंकि अब पहले चरण की अगर बात करें, 13 नवंबर को वोटिंग, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग, काफी कम समय रह गया है और आज झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, सबसे पहले उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, पूरा स्केड्यूल बता दीजिए। वैसे भी आज बीजेपी पूरी ताकत के साथ जो है वो प्रचार में अपनी ताकत बहुत की है। उस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो है जो सलामी है और इनके अलावे कोडरमा क्षेत्र में वो आज जनसभा को संबोधित कर, इसके अलावे आप सकते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी आज कई जनपद जनसभाएं गई है। इसके अलावा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो है आज की अंतिम चुनाव है का प्रचार है। वैसे में चुनाव पूरी ताकत बीजेपी ताकत से झोंक के आज एक माहौल बनाने जी बिल्कुल अजय, कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और 2019 के बिल्कुल उलट नतीजे आए, क्योंकि 2019 में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी और अब कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जा सके। आज क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जो 4 क्षेत्र उन्होंने चुने हैं उनका क्या कुछ समीकरण, क्योंकि भवनाथपुर की बात कर ले या फिर जिस तरह से हुसैनाबाद में उनका कार्यक्रम है, पांकी में उनका कार्यक्रम है और डालंटगंज में उनका कार्यक्रम है, तो क्या कुछ इन 4 क्षेत्रों के समीकरण क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, बाबू प्रमंडल निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि वो इंदी पट्टी का क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ भाग है, उत्तर प्रदेश के कुछ सीमाएं सटी हुई है, जिस प्रकार से आपने कहा भागलपुर वो उत्तर प्रदेश का सटा हुआ जिला भाग है, तो निश्चित रूप से आदित्यनाथ वहाँ पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से इसके पहले उन्होंने झारखंड आए और झारखंड में आने के बाद जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी कटोगे थे बटोगे और ये झारखंड में काफी सुर्खियां बटोगी और इसकी खुद काफी चर्चाएं की झारखंड की सियासत लगी हुई और इतना ही नहीं, ये बात छोड़ थमी इसके लेकर के कई जगह बीजेपी ने पोस्टर लगाकर इस बात को संदेश दिया निश्चित रूप से। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने वोटरों को साधने की जो कोशिश की है और ये स्लोगन जो है झारखंड की सियासत की जानी हमें काफी लोकप्रिय रही। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो बीजेपी की बात अगर हम कर लें, बीजेपी लगातार हिंदू वोटों को एकत्रित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं जो आदिवासी है, आदिवासी के हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी भी सियासत झारखंड की सियासत में काफी जो देखे गए जिस प्रकार की देखा हुआ कि बांग्लादेश की सोसाइटी को लेकर के लगातार बीजेपी मुखर आवाज के लिए वैसे में और जो है आदिवासी को हिंदू मानने वाले जो वोटर्स हैं उनको भी समझने की कोशिश की है। आज प्रभावित मंडल में है और निश्चित रूप से उन तमाम जो वोट आप कह सकते हैं आरजेडी की काफी कई सीटें जो है वहाँ जो है आरजेडी की सीटें हैं, वहाँ हिंदू जो है
प्रदेश में आज आदित्यनाथ योगी जो आज वहाँ पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो बीजेपी के माहौल को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अजय, क्योंकि बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर थे, वहाँ उन्होंने चुनावी जनसभाएं की, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितनी मजबूत स्थिति में आपको भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से हम अगर बात कर ले, छत्तीसगढ़ बीजेपी जीती, मध्य प्रदेश जीती, राजस्थान जीती, तो अब ये जो नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का है कि मुख्यमंत्री का फेस पीछे और पीएम मोदी का चेहरा आगे, तो झारखंड में भी यही बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कितनी मजबूत स्थिति में आपको बीजेपी यहाँ पर दिख रही है अभी? निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें और योगी आदित्यनाथ के बारे, दोनों ही जो है वो लोकप्रियता है यहाँ झारखंड में बीजेपी है, उनसे भी कई लोग की आप चुनाव जब चीजें बन रही थी और सारी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही थी, तो वैसे में कई ऐसे विधानसभा थे कि योगी आदित्यनाथ जी को जनसभा संबोधित करने के लिए डिमांड बढ़ी थी, और ऐसे में कई जनसभा विधानसभाओं को भी संबोधित किया है। दोनों फेस जो है वो बिल्कुल मुखर रूप से हिंदुत्व की बात करने वाले दोनों जो है वो देखा मुखर होकर बैठे, ऐसे ये जो बीजेपी की जो घर है, बीजेपी के जो क्षेत्र हैं, जो हिंदुत्व वाले क्षेत्र हैं, वो उनको पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में हालांकि देखिए, कल मोदी का एक मेगा शो हुआ झारखंड में, और आपने देखा हो तो 3 किलोमीटर की लंबी दूरी वाली पहली ऐसी जो झारखंड में ऐसा अजय, क्योंकि पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे और फिर उसके बाद बीते दिन भी वो आए, तो एक नारा, चाहे रोटी बेटी और माटी हो, और अब आजकल जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, हालांकि आज किस नारे की गूंज सुनाई देती है और उसका कितना असर जनता के बीच पड़ता है और पहुंचता है, उसकी गूंज जनता के बीच कितनी पहुंचती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। वहीं बागपत से बड़ी खबर की बात कर ले, जहां गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है, अधिवक्ताओं का विरोध इस दौरान जारी है, न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं ने दूरी बनाए रखी है, साथ ही बार एसोसिएशन अध्यक्ष महामंत्री ने भी ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आप सभी को बता दें, खबर बागपत से है, जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल का अब असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का तमाम अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, अब हल्ला बोल शुरू कर दिया है, न्यायिक कार्यों से सभी वकीलों ने दूरी बना रखी है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने अब ये फैसला लिया है। तो पूरा मामला गाजियाबाद से शुरू हुआ था, जहां गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का अब पूरे प्रदेश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी जो वकील है, सभी अधिवक्ता जो है, वो जो लीगल केसेस है, न्यायिक कार्य है, उनसे दूरी बनाकर रखेंगे, जिसका असर बागपत में भी देखने को मिल रहा है। तो बागपत से बड़ी खबर, जहां गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का अब असर देखने को मिल रहा है, सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूरी बना रखी है, बार एसोसिएशन की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि जो तमाम अधिवक्ता है वो लीगल प्रोसीडिंग से दूरी बनाकर रखेंगे। वही श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता का पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है, पीड़ित कांस्टेबल विवेक सिंह की तहरीर पर अब इस मामले पर केस दर्ज हो गया है, भिनगा कोतवाली में हैप्पी गुप्ता और अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है, आरोपी भतीजे हैप्पी गुप्ता को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी भाई राजेश गुप्ता की पुलिस तलाश कर रही है, पुलिस मामले की तेजी से विवेचना कर रही है, बीजेपी नेता राकेश गुप्ता पर भी गिरफ्तारी की अब तलवार लटक गई है। दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनके बीच बचाव के लिए ड्यूटी पर तैनात सिपाही वहां से जा रहा था, तो उसने बीच बचाव कोशिश की, उसमें सेफ्टी पे तैनात सिपाही द्वारा सिपाही से मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया, जिसमें थाना कोतवाली भिनगा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तत्काल, उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसी संबंध में वीडियो वायरल हो रहा है,
वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला श्रावस्ती से है, जहां बीजेपी नेता का पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला, जिसमें अब गिरफ्तारी की तलवार भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश गुप्ता पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता दिनेश तिवारी के पास। दिनेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार डिटेल में समझाइए आखिर क्या कुछ ये मामला। कहेंगे कि गाड़ी साफ करने को लेकर विवाद हुआ था, और उसके बाद में सिपाहियों से भी जो भाजपा नेता थे उनका विवाद हुआ, उसके बाद में गाड़ी विरोध भी हुई, और गाड़ी विरोध के बाद भाजपा नेता के द्वारा उनके भाई के द्वारा थप्पड़ मारा गया। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि जिस तरह से थप्पड़ कांड सामने आया है, एफआईआर मामले में क्या दर्ज हो गई है? जी हाँ, एफआईआर हुई है, और इसमें तीन चार लोगों को गिरफ्तारी भी हो गई है, और जो मुख्य आरोपी है अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो बीजेपी नेता, क्या इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है? जी जी, मुख्य आरोपी हुई है। तो इनकी गिरफ्तारी कब, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, मुख्य आरोपी बनाया गया है, तो बीजेपी नेता राकेश गुप्ता की गिरफ्तारी आखिर कब? पुलिस उनके घर छापा भी मारी है, जो आरोपी है उनके घर छापा भी मारी है, और बाकी जो उसके साथ थे उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी मतलब पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। अब तक कितने लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी? अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां तिरंगा यात्रा में कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या मामले में आज फैसला आ सकता है। चंदन हत्याकांड का केस लखनऊ एनआईए कोर्ट में विचाराधीन है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की हत्या हो गई थी। चंदन हत्याकांड में आज एनआईए कोर्ट से फैसला आ सकता है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, 2018 का यह हत्याकांड का मामला, जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले की जांच एनआईए कर रही है, एनआईए स्पेशल कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है। अब इस मामले को लेकर आज एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकती है। वही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी को दे दे, कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर अव्वल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तो तीसरे नंबर पर नोएडा। लखनऊ कानून व्यवस्था के मामले में 50वें नंबर पर है। बहराइच की कानून व्यवस्था सबसे खराब, नीचे से दूसरे पायदान पर पीलीभीत है। वहीं तीसरे पर मथुरा, तो चौथे पर प्रयागराज का नंबर। नीचे से 5वें नंबर पर आगरा का नाम है। योगी सरकार हर महीने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है, समीक्षा कर रैंकिंग जो है वो तय की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करती है, और उसके अनुसार जो है रैंकिंग तय की जाती है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की रैंकिंग को लेकर ये बड़ी अपडेट आप सभी को दे दे, जहां कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर अव्वल नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तो तीसरे नंबर पर नोएडा। लखनऊ कानून व्यवस्था की अगर बात करें, तो लखनऊ में 50वें स्थान पर है। 75 जिले और हर जिले की रैंकिंग हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी 50वें नंबर पर है कानून व्यवस्था के मामले में। बहराइच की अगर बात करें, तो बहराइच सबसे ज्यादा खराब नंबर पे है। नीचे से दूसरे पायदान पर अगर बात करें, तो पीलीभीत, तीसरे पर मथुरा, तो चौथे पर प्रयागराज का नंबर है।
वहीं नीचे से पांचवें स्थान पर आगरा। योगी सरकार हर महीने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है और उसी समीक्षा के आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद एक रैंकिंग तय की जाती है, वो लिस्ट जारी हो गई है। इस दौरान कानून व्यवस्था के अपडेट हम आपको दे रहे कि 75 जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है और कौन सा ऐसा जिला है जिसकी कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा अपडेट। कानून व्यवस्था की रैंकिंग में रामपुर सबसे अव्वल नंबर पर यानी सबसे ऊपर है। सबसे बेहतर कानून व्यवस्था रामपुर जिले की आई है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हमीरपुर, तीसरे नंबर पर नोएडा, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ 50वें नंबर पर है। तो 75 जिले और 75 नामों की लिस्ट जिनमें सबसे ऊपर रामपुर का नाम है यानी रामपुर में कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, दूसरे नंबर पर हमीरपुर, तीसरे नंबर पर नोएडा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 50वें नंबर पर लखनऊ है। बहराइच की कानून व्यवस्था सबसे खराब यानी सबसे नीचे जो 75वां नंबर है, जो आखिरी नंबर है वो बहराइच का, यानी सबसे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था बहराइच की है। तो समय समय पर प्रशासन जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है, रैंकिंग तैयार की जाती है हर जिले की कि किस जिले में किस अनुसार कानून व्यवस्था है। और अगर उस लिस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर यानी सबसे बेहतर कानून व्यवस्था रामपुर की। सीधा रुक कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो 75 जिले और 50वें नंबर पर राजधानी लखनऊ सूची जारी हुई है, उसके उसमें जो लखनऊ में कानून व्यवस्था की जो रैंकिंग है वो अपने आप में हैरान करने वाली है और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान है, क्योंकि राजधानी पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जहां पर पूरा कैबिनेट बैठता है, जहां डीजीपी बैठते हैं, जहां पुलिस कमिश्नरी है, वहां पर रैंकिंग जो है 50वीं आना ही अपने आप में सवाल निशान है पुलिस व्यवस्था पे। आपको बता दें सूची आई है, इसमें रामपुर अव्वल दर्जे पर है। रामपुर प्रशासन जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रख रहा है उसमें उसको सफलता मिली है और रैंकिंग में उसका पहला स्थान है। वहीं हमीरपुर में कानून व्यवस्था भी अच्छी बताई गई है और उसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। वहीं बात करें मथुरा की तो उसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। और अगर नीचे के पायदान से बात करें तो हाल ही में बहराइच दंगों से चर्चा में आया, बहराइच सबसे निचले पायदान पर है यानी 75वीं रैंक है उसकी। 75 जिले में 75वीं रैंक है, सबसे बदहाल और सबसे खराब कानून व्यवस्था कहीं की अगर इस रैंकिंग में दिखाई दे रही है तो बहराइच की, और उसके बाद में अगर है तो नीचे से दूसरे नंबर पर तो पीलीभीत की है। हालांकि सबसे जो हैरान करने वाला जो जिला है या फिर मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय के लखनऊ, क्योंकि 75 जिलों में 50वीं रैंक यानी कि बिल्कुल अपने आप में यही वजह कई तरह के सवाल खड़े करता है रमन, क्योंकि राजधानी है वो इस प्रदेश की और उसके बाद लखनऊ की जो कानून व्यवस्था की बात करें 50वीं रैंक आना, जहां राजधानी, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां तमाम बड़े सभी पदाधिकारी रहते हैं, और ऐसे में लखनऊ की कानून व्यवस्था इस कदर की 75 नामों की जो लिस्ट है उसमें 50वें स्थान पर लखनऊ, ये अपने आप में कई बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, और माना यह भी जा सकता है कि इस रैंकिंग को प्रभावित करने वाले भी हाल ही में जिस तरीके से अमन गौतम कस्टोडियल डेथ का मामला आया, उसके बाद में एक जो पांडे नाथ सिन्हा कोतवाली से जुड़ा मामला आया, और ऐसे तमाम मामले जो आए दिन मुद्दा बनते रहते हैं, उसी के चलते लखनऊ की कानून व्यवस्था की जो रैंकिंग है वो बहुत ही हैरान करने वाली है और बहुत ही
चिंताजनक है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है प्रदेश का, जो 75 जिले का जो सिस्टम है वो यहीं से चलता है, यहीं से तय होता है कि कौन कप्तान होगा, कौन डीआईजी होगा, किस तरीके के नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, कैसी व्यवस्था चलेगी। और उसके बावजूद लखनऊ का अगर ये हाल है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी तक के सोचने का विषय है कि किस तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नरी काम करे ताकि लखनऊ की रैंकिंग में भी सुधार आए। जी बिल्कुल। और रमन, जिस तरह से क्योंकि पल पल ये देखने को मिलता है, समय समय पर जो प्रशासन है वो कानून व्यवस्था की समीक्षा कराता है हर महीने हर जिले की, और उसके बाद इस समीक्षा के आधार पर आखिर कैसे ये रैंकिंग तय होती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, रैंकिंग तय होने का कारण होता है मुकदमे और किस प्रकार के मुकदमे लिखाए गए हैं, उसके तीसरे बात होता है किस कौन से मुकदमे लिखाए गए हैं, क्या आपसी रंजिश के चलते हत्याएं हुई हैं, या आपसी रंजिश के चलते कोई विवाद हुआ है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर यानी जैसे लूट हो गया, किसी की राह चलते हत्या हो गई, डकैती हो गई, ये सब जो मामले होते हैं बिना किसी वजह के किसी की हत्या कर देना, ये जो मामले होते हैं ये तय करते हैं कि किस जिले में किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है। और लखनऊ में हालिया में जिस तरीके से कई मामले सामने आए वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले मामले ही थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से बहराइच को जो अंतिम रैंक दी गई, उसका कारण भी यही है कि बहराइच में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसमें प्रशासन का फेलियर बताया जा रहा है। वो कोई निजी विवाद नहीं था, कोई निजी मामला नहीं था, दो व्यक्तियों की आपसी रंजिशन लड़ाई नहीं थी, उसमें किसी अगर कोई जुलूस निकलता है किसी भी धर्म का तो उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, यही काम है पुलिस प्रशासन का। अगर पुलिस उसमें फेल होती है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज होता है और उस पुलिस का फेलियर साबित होता है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी एक लिस्ट तैयार की जाती है। रमन, सवाल ये भी कि जो इस लिस्ट में, क्योंकि 75 जिले सबसे आखिरी पायदान में जो क्षेत्र या जो जिले रहते हैं जिनमें सबसे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था समझ आती है, वहां अब इस लिस्ट के बाद क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं, क्या कोशिश की जाती है कि कानून व्यवस्था बेहतर की जा सके? जैसे आपने बहराइच का ही नाम लिया कि वहां जिस तरह से दंगे हुए, मर्डर कांड हुआ, उसके बाद बहराइच सबसे आखिरी पायदान पर है, क्या कोशिश की जाएगी कि उसे ऊपर एक तरह से वहां कानून व्यवस्था जो है बेहतर की जा सके? बिल्कुल, जब रैंकिंग इसीलिए निकाली जाती है, इसीलिए सर्वे होता है, इसी के लिए लिस्ट बनती है ताकि जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो उस रैंकिंग में जिसके जिस जिले में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई हो वो जिले उसमें पूरी समीक्षा की जाए और उन जिलों में कानून व्यवस्था फिर से अच्छी की जाए। और उसको लेकर जो यहाँ के लखनऊ से अधिकतर जो डीआईजी हैं, एसपी हैं, एडीजी उस क्षेत्र के हैं, वो बैठक करते हैं और तय करते हैं। हालांकि कुछ यानी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जो है काफी ज्यादा अब सख्त नजर आ रही है, यही वजह है कि हर महीने ऐसी रैंकिंग निकाली जाती है और समीक्षा की जाती है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के। खबर रायबरेली से है जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने से डेंगू वार्ड फुल हो गया है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, बुखार से दो बच्चों की भी मौत हो गई है, वायरल फीवर का भी लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, बच्चा वार्ड में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बाकी वार्ड में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, तो बदलते मौसम के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रायबरेली से पूरा मामला जहां डेंगू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू वार्ड्स लगभग सभी अस्पतालों में फुल है, जो कि प्रशासन के लिए अब चिंता का विषय भी बन गया है। तो डेंगू जमकर अपने पांव पसार रहा है और लोगों की तबीयत खराब होने का कारण बन रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।